हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वेलकम, सबका स्वागत है। सो आज हम लोग फिर एक मॉक टेस्ट के साथ आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट। आप सबको पता है मैं जो आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ, ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मैं इसमें एक तो आपके लिए सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूँ, एक नए क्वेश्चंस जो हाल ही में एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस का जो ट्रेंड चल रहा है उनको आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, और एक अच्छा पैकेज आप सबके लिए। आपको पता है हम लोग बहुत ही जल्द कुछ अच्छा और एक बड़ा करने वाले हैं आप सबके लिए, तो सब लोग रेडी रहिए उस बड़े करने के लिए, ताकि आप सब लोग हमारा जो प्लान है आप सबके साक्षी रहें। और आज से आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा, है ना, आज से आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा डेली नाइट में, और विथ डिटेल आपको मिलेगा, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें शामिल किए जाएंगे। तो सभी लोग ध्यान रखना, करंट अफेयर्स के लिए सब लोग रेडी रहना, ठीक है। सो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने कहा था कि सर साइंस को लेकर आइए, तो मैं साइंस भी आपके लिए लेकर आया था डिमांड में, ठीक है। आज मॉर्निंग में हुई थी साइंस की क्लास, ठीक है, 1 बजे हमने वो क्लास की थी, आप सभी लोग देख लेना अगर नहीं देखी है तो। उसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs को शामिल किया था, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? जल्दी से, नमस्ते एवरीवन, नमस्ते। सॉरी कुछ नेटवर्क का इशू था तो थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया, सभी लोग जुड़ जाइए। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। वो था नथाइल वाल्डविन, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1910 में ये तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? भारत का जो नोट होता है करेंसी, वो चाहे 50 रुपए का नोट हो, 100 रुपए, 500 रुपए या 2000 रुपए, उन सभी के ऊपर कितनी भाषाओं में मुद्रित होती हैं? बहुत ही बढ़िया, सभी लोग जल्दी से आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी 15 इसका राइट आंसर है, 15 भाषाओं में मुद्रित होती हैं, अंग्रेजी सहित, अंग्रेजी से अलावा 14 भाषाएं, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? जल्दी से सभी लोग बता दीजिए, अभी, राजीव, सुनील, रमेश, एमडी, साद, अमित, अक्षय, रोहित, रामचंद्र, निकिरण, सरोज, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है शिमला मिर्च, नींबू में पाया जाता है, टमाटर और आलू, लेकिन शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम में नहीं होता। अगला क्वेश्चन, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब पानी को हाइड्रोजन को अलग करना हो, H2O से मिलकर बना होता है, तो उसमें से अगर हाइड्रोजन अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे, बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा, विद्युत अपघटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में मेजबानी की थी? जल्दी से बता दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में मेजबानी की थी? बिल्कुल सही है, 2010 में, 2010 में। अगला क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? बिल्कुल सही है, ये एक तरह की सर्विस है, क्या है?
सर्विस है एक तरह की। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? सभी लोग, सोना, निकिरेन, सुनीता, विश्वजीत, रोहित, अनिल, अक्षय, हेमलता झा, वेरी गुड, बिट्टो शिखाय, मदन तुरी, विनोद। बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल सही है, पिंगली केवैया। अगला क्वेश्चन, एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही है सभी का, बहुत ही अच्छा, सही कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त सचिव का, यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी, केंद्रीय वित्त सचिव का होता है। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए अंतिम घोषणा कब की गई थी? रुपया बदलने के लिए आप सभी को, बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा है, 30 जून 2016 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? अरविंद, सरोज, सुनीता कुमारी, रोहित कुमार, अभी वर्मा, सुजीत, राकेश, रोहित, अमरीश वर्मा, मदन तुरी, राकेश, अमित, कॉलेज बॉय। वेरी गुड, बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए, मेघालय। अगला क्वेश्चन, पुस्तक अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? बिल्कुल सही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छा राइट आंसर दिया सबने। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश विद्युत आवेश का सुचालक है? इनमें से, बिल्कुल सही कर रहे हैं सभी लोग, जल्दी से, बिल्कुल कॉपर इसका राइट आंसर है, कॉपर इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, बिल्कुल सही है, फ्लिपकार्ट। ये एक, ठीक है, फ्लिपकार्ट, क्योंकि ये सारे क्या है, एक सर्च इंजन है, लेकिन फ्लिपकार्ट क्या है, एक शॉपिंग वेबसाइट है। चलिए, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता क्या कहलाती है? पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, बहुत ही बढ़िया, सबका सही चल रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, सभी लोग सही कर रहे हैं, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का एक चाय उत्पादक राज्य है? सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर, सभी लोग, बिल्कुल सही है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, 5 लोगों को शेयर करना है, अगर आप साथ नहीं देंगे तो कौन देगा, आप ही हैं मेरे साथी, तो है ना, बिल्कुल सही है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल, बहुत ही अच्छा राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द क्रोकोडाइल बेबी कॉल्ड? मगरमच्छ के बच्चे को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
दो बार पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, और इस तरह के मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार करवाऊंगा जल्दी से। बिल्कुल सही है, हैचलिंग, हैचलिंग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से चार जोड़े दिए गए हैं आपके सामने, अलग जोड़े को ज्ञात कीजिए जो इन चारों से अलग है, चारों में एक अलग जोड़ा। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, सपोर्ट करने के लिए आप सबका थैंक यू। देखिए आप सब जानते हैं उभयचर क्या होते हैं, जो जल और थल में रहते हैं, लेकिन यहाँ हवा में लिखने रखा है तो ये ही राइट आंसर होगा जो कि गलत है। जल में समुद्र रहता है, वायु भी आकाश में रहते हैं, स्थल भूमि में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है, इनमें से राकेश जी यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन किए जाते हैं, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन करवाए जाते हैं, वो मैं आपके लिए एक नया बेच लाऊंगा, उसमें आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा है, श्रीलंका, जल्दी ही वो भी लाऊंगा जो इसमें क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। क्यों श्रीलंका क्यों है, क्योंकि ये तीनों द्वीप नहीं है जबकि श्रीलंका एक द्वीप है। श्रीलंका क्या है, एक द्वीप है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है, प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है। वेरी गुड, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा इसका राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही कर रहे हो सभी लोग, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है तुम्हारी। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का नियामक प्राधिकरण है, भारतीय रिजर्व बैंक का नियामक प्राधिकरण है क्या। बहुत ही अच्छा है, जल्दी से सभी लोग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप सभी लोग सही कर रहे हैं, ऑप्शन ए बैंक। अगला क्वेश्चन, वेब पेज आर क्रिएटेड यूजिंग, वेब पेज का उपयोग किनके क्या बनाया जाता है, वेब पेज के उपयोग से, वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं वेब पेज कैसे। बिल्कुल सही है, सी HTML। HTML की फुल फॉर्म सभी लोग बता दीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, रिमोट सेंसिंग लूनर, रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था, कौन से वर्ष में छोड़ा गया था इसको, चंद्रयान फर्स्ट को। बिल्कुल आप सबकी तैयारी, बहुत कुछ स्टूडेंट तो यहाँ बहुत इंटेलिजेंट है, वेरी गुड वेरी गुड, आप बनाए रखिए आपकी तैयारी और हो जाएगी। 2008, इनमें से कौन सा एक समूह से सही नहीं है, बिल्कुल सही है, देखिए सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, है ना, बिल्कुल सही है मास, क्योंकि द्रव्यमान से संबंधित है और ये सारे गति और समय से। देखिए शेयर, अगर आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मेरा टारगेट देखिए 60 लोग हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा, अगर आप 5 लोगों को शेयर करेंगे 300, मैं चाहता हूँ केवल 140 लोग भी आएंगे तो हम लोग 200 हो जाएंगे। आप सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और भी नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। प्लीज़ सब लोग जाकर, सब लोग अपने दोस्तों, कोई भी दोस्तों आपको शुरू को शेयर कर दीजिए। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों में प्रकार कौन से हैं, व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं, व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं। बिल्कुल सही है, बहुत सही है, सभी का सही है, पर्णपाती वन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड एवरीवन। अगला क्वेश्चन, देखिए मैं आपके लिए दोनों लैंग्वेज में ला रहा हूं, हिंदी इंग्लिश, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, आप मेरा सपोर्ट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता, सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है, उपग्रह सेवा प्रदाता। बिल्कुल सही है, इंटेलसैट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बहुत ही सही है सभी का। अगला क्वेश्चन, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल से शुरू किया गया था, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से वर्ष शुरू किया गया था, यह भी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। बिल्कुल सही है,
यार 1982 में, 1982 में। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इनमें से किस स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने के कारण 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? इनमें से किसको? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही है। मानस वन्य जीव अभ्यारण जो कि असम में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम। अगला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? बिल्कुल सही है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बिल्कुल सही है, बहुत ही सही आंसर है, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिल्कुल सही है, सुचिता कृपलानी। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही है, सुचिता कृपलानी इज द राइट आंसर। जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। बिल्कुल सही है, प्रकाश का प्रतिबिंब और अपवर्तन के द्वारा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एक और दो रुपए के सिक्के, एक और दो रुपए के सिक्के बने होते हैं? बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल, फेरेटिक स्टील लेस स्टील से, फेरेटिक स्टील लेस स्टील। बिल्कुल सही है। अगला आंसर, केचप, कैप्चा जो होता है, आप देख रहे हैं कंप्यूटर के सामने जब किसी वेबसाइट को खोलते हैं उस पर टेढ़े मेढ़े ए बी सी डी और गिनतियां लिखी होती है, आपको लिखना पड़ता है, जल्दी से जल्दी से। मानव इनपुट को मशीनरी इनपुट से अलग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक समूह से अलग नहीं है? बिल्कुल सही है, गेटवे ऑफ इंडिया, क्योंकि ये तीन कहाँ हैं, ये अकबर के द्वारा बनाए गए थे, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया राज जो जॉर्ज रोनी है उनकी तैयारी, उनके स्वागत के लिए तैयार किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसने उठाई थी? बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा राइट आंसर है, अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अमर्त्य सेन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। वेरी गुड एवरीवन, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक सभी लोग करेंगे। चलिए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC पर आधारित है, किस पर आधारित है NFC? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। NFC कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार का। अगला क्वेश्चन, जब मानव शरीर के तापमान में, शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5 से
8 फ़ारेनहाइट की कमी हो जाए इस स्थिति को क्या कहेंगे? ये स्थिति क्या कहलाती है? जब टेम्परेचर 5 से 8 डिग्री कम हो जाए फ़ारेनहाइट, इसको कहेंगे हाइपरपायरेनिक्सिया। हाइपरपायरेनिक्सिया सभी लोग टाइप कर दीजिए, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जब गुर्दे में खराबी हो जाए तो गुर्दा अगर फेल हो जाता है तो इसमें डायलिसिस के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। किसके द्वारा? डायलिसिस के द्वारा इसका उपचार किया जाता है, बिल्कुल सही है। NUSTAR न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से क्या गहन सर्वेक्षण किया जाता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन बी, ब्लैक होल्स इज द राइट आंसर। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल से वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग में किया जाता है, किसमें किया जाता है? वाष्पीकरण का सिद्धांत। गर्मी अवशोषित करने के लिए वाष्पीकरण का सिद्धांत किसमें उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सही है, आप सभी जानते हैं रेफ्रिजरेटर या फ्रीज, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही है। सी वॉइस बॉक्स, वेरी गुड। सबाना, सरोज, प्रतीक, अमन, रंजीत, निकराना, जविंदर, अर्चना, मदन, जगत, बिट्टू, सबाना, अशोक, राजीव, सत्यवीर, ठाकुर, बीएड, रजनी, ज्योति, सम्राट, प्रतीक, अक्षय, मदन, सुली, आकाश कुमार, भारद्वाज, प्रगति बेटा, सबाना, सभी लोग वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सभी का वेलकम है यहाँ पर, जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। बिल्कुल सही है, इसमें सीधा और सिंपल सा आंसर है कि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर, H2O, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, IMO का फुल फॉर्म क्या है? IMO इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये नहीं होगा, वो फंड होता है, ध्यान रखना। यहाँ राइट आंसर है इंटरनेशनल मैरिन टाइम ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ IMF होता है वो, ये ध्यान रखना, ये गलती मत करना। इसलिए मैंने आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, वेलकम। भारत में वर्ष 2019 का राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। 31 दिसंबर, यूनिटी डे। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम एक कैलेंडर वर्ष में कुछ मुख्य टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है, इन टूर्नामेंटों का नाम बताइए। ग्रैंड स्लैम का मतलब क्या होता है? ग्रैंड स्लैम कहते हैं ना कि उसने ग्रैंड स्लैम जीत लिया है, तो उसका मतलब क्या है? उसने ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन, ये चारों जीत लिए हों, उसी को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, यूएस और विंबलडन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी एक पुस्तक है जो अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी इनमें से? बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन। 70 तक हम लोग लाइव आ गए हैं, तो जल्दी से 100 तक कर दीजिए, जल्दी से 100। माई कंट्री माई लाइफ, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूंगा। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में कौन से यान से गई थी? बीएड, राजीव, प्रदीप, रजनी, सोनू, ज्योति, प्रगति, बिट्टो, मदन, अर्चना, जगत, रुधिर, राजीव, दया, सबाना, त्रिकोल, राज, रुद्र, अभी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा।
सही कह रहे हैं आप, सभी का आंसर सही है। ऑप्शन ए कोलंबिया से, कोलंबिया यान से गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? हीराकुंड आपको पता है उड़ीसा में स्थित है। कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महानदी जो कि उड़ीसा में है। कहां पर है महानदी? उड़ीसा में है, वेरी गुड, सही कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, इनमें से अलग डिफरेंट को छांटिए, डिफरेंट को अलग जो है उसको अलग कीजिए। ऑप्शन ए बी सी या डी क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तीनों टर्म्स बैंकिंग से संबंधित है जबकि ये लोन से संबंधित है, ईएमआई। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अधिकारी चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? किस कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? बिल्कुल सही है राइट आंसर, किस आधार पर? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुलाम, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चलिए आ जाइए, मैं भी पांच लोगों को शेयर करता हूं और आप भी पांच लोगों को शेयर कर दीजिए जल्दी से। तब तक हम लोग दो सेकंड में नया क्वेश्चन ला रहे हैं, जब तक पांच लोगों को, सारे लोग 70 × 5 = 350, मुझे लगता है हम लोग 100 से ज्यादा तो आराम से पहुंच जाएंगे, केवल 100 से ज्यादा, तो सब लोग कर दीजिए आराम से। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही, आप सबके सपोर्ट के कारण ही मैं यहाँ तक पहुंच पा रहा हूँ। मेरे अंदर जो एनर्जी है वो आपके कारण ही, वरना मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आपके कारण है कि मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं और एनर्जी आती रहेगी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल सही है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल सही है, डी भगत सिंह के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। डॉस, ये तीनों मोबाइल के वर्जन है ना, अपडेट, मोबाइल अपडेट का वर्जन है, जबकि डॉस लैपटॉप यानी कंप्यूटर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, क्यों, क्यों मुश्किल है लाल मिट्टी पर खेती करना? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सब लोग, है ना, ताकि मैं डेली दो मॉक टेस्ट लेकर आता हूं, दो मॉक टेस्ट डेली, साइंस का और जीके का, ऐसे ही 100-100 क्वेश्चन आपको करवाता हूं। लाल मिट्टी का, बिल्कुल, इसके जल जो धारण करने की क्षमता है वो कम होती है। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? बिल्कुल सही है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक खिलाड़ी में कितने खिलाड़ी होते हैं, प्रत्येक टीम में वॉलीबॉल की खेल में? बिल्कुल सही है, 6। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? त्रिरत्न, बिल्कुल सही है, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? डी, ऑप्शन बी और सी से, जैन और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ए बी रक्त वाले वर्ग वाला व्यक्ति है, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति है, बिल्कुल, बहुत ही सही है,
ब्लड कैन बी टेकन फ्रॉम एनी क्लास, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP केंद्रित है किस पर, किस पर केंद्रित है UNDP? UNDP बिल्कुल सही कर रहे हो, अल्प विकसित देशों पर, अल्प विकसित देशों पर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए हमारा अगला और बेहतरीन क्वेश्चन आप सबके लिए है कि इनमें से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है, यह आपको बताना है। बिल्कुल सही है, ये देखिए शुरू के तीन तो क्या है, ये कंपनियां हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड एक फैसिलिटी है जो बैंकों के द्वारा दिया जाता है, और ये कार्डों के मास्टर वीजा और मास्टर ये क्या है, एक तरह की फैसिलिटी है और एक तरह के कार्ड की कंपनियां हैं जो क्रेडिट और इस तरह के डाटा को जारी करती हैं। चलिए बिल्कुल सही है, हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यू MS एक्सेल सीट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, सर्वाधिक एक्सेल सीट में स्तंभ यानी कॉलम्बों की संख्या कितनी होती है। बिल्कुल बहुत ही सही है, बिल्कुल सही है, 214 इसका राइट आंसर है, 214 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। डी भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी इज द राइट आंसर, जियोलॉजी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है। प्रतीक, प्रगति, अभी, प्रतीक, बशरुद्दीन, सुनील, रुद्र, पवन, राजीव, बिट्टो, अनूप, जगत, मदन, रुद्र, मीणा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है, जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है। बिल्कुल सही है, मच्छर के द्वारा, मॉस्किटो के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एक सॉफ्ट की आवर्तक जो गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। रात को 9 बजे, आप ध्यान रखना, जीके अगर मॉक टेस्ट देना है तो रात को 9 बजे आपको आना पड़ेगा, मॉक टेस्ट रात को 9 बजे। टाइम को दिमाग में रखिए, टैकोमीटर इसका राइट आंसर है, टैकोमीटर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है। बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। बी छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष जाना। अगला क्वेश्चन, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, एक्सोबायोलॉजी बिल्कुल सही है, बाह्य अंतरिक्ष के में जीवन, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। अगला क्वेश्चन, गांधी शास्त्री पुरस्कार, ये वार्षिक पुरस्कार किसको दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं। वेरी गुड, व्यक्तियों और संस्थाओं को दिए जाते हैं, व्यक्तियों को और संस्थाओं को दिए जाते हैं। अगले वर्ष, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोटिस्ट एक है क्या, जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए जितने भी लोग हैं, और रात को 9 बजे बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि रात को 9 बजे
मॉक टेस्ट देना है आप सबको। बिल्कुल सही है। प्रोटेस्ट क्या है? एक ग्रंथि है, ग्लैंड है। अगला क्वेश्चन, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट स्थित है, किसके निकट? ध्यान रखना, आपने सुना होगा कुरुक्षेत्र के युद्ध हुआ था महाभारत कुरुक्षेत्र में, वो कहां पर स्थित है यह आपको बताना है। ये अंबाला शहर के पास में है, अंबाला सिटी के पास में अवस्थित है। ठीक है, कहा जाता है कुरुक्षेत्र में युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन तक चला था और इस युद्ध को महाभारत का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति केवल नजदीकी होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए, यानी पास वाली वस्तुओं को देख पाए, तो उस व्यक्ति की स्थिति को क्या कहा जाता है? कौन सा रोग? अगर पास की वस्तुओं को ही देख पा रहा है, इसका मतलब दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा। बिल्कुल, निकट दृष्टि दोष। निकट देख पा रहा है लेकिन दूर नहीं देख पा रहा, मायोपिया। कौन से साल बांग्लादेश का एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था? किस वर्ष बांग्लादेश का? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही कर रहे हो सभी लोग। जल्दी से ऑप्शन बी, जनवरी 1972 में। जनवरी 1972 में। इनमें से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? इनमें से कौन सा देश क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा है, बिल्कुल बी इंडिया। बी इंडिया इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले अलग डीएनए को अलग किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, फ्रेडरिक मेस्नर। अगला क्वेश्चन क्या होगा? गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी। कौन सी व्रत की सबसे बड़ी जीवा है? कौन सी व्रत की सबसे बड़ी जीवा है आपको बताना है। और अगर सेशन पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी मेहनत आपके लिए अच्छी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाइलिंगुअल में क्वेश्चन है आपके लिए और मैं नए नए क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूंगा। कल सुबह मॉर्निंग में जनरल साइंस बायो का चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि और बेल आइकन को, ताकि आपको मॉक टेस्ट का इन्फॉर्मेशन मिल जाए। व्यास सबसे थी रोशनी के लिए साधारण बल्लब की जगह LED और CFL क्यों वजह से लिए जा रहे हैं? किस वजह से उनका उपयोग किया जा रहा है? LED और CFL, पहले हम बल्लब यूज में लेते थे लेकिन अब CFL और LED यूज में ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है एनर्जी इफिशियंसी, ऊर्जा दक्षता। वेरी गुड। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी 1905 में आइंस्टीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सीवी रमन के बारे में क्या गलत है? देखिए, सीवी रमन के बारे में सिंपल सी चीज है, उनको 1987 में नाइट की उपाधि दी, ये गलत है, जबकि उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। उनको 1930 में नोबल मिला था और वो 1954 में भारत रत्न, तो ये गलत है, ऑप्शन डी। तीनों चीज याद कर लेना, काम आ जाएगी आपको, एक क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। एक मानव के शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहां पर होती हैं? अनैच्छिक मांसपेशियां कहां पर होती हैं? और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, हार्ट में, दिल में होती हैं। सो आप सभी लोग कैसे हैं? मजा आया आज के मॉक टेस्ट में? कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना,
आपके लिए बाइलिंगुअल आ रहा हूँ, और भी लंबे लंबे दो दो घंटे के मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लाऊंगा, ताकि आपको एक ही टाइम में मैं 200 से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करवा पाऊँ, 200 से ज़्यादा। मॉर्निंग में अलग ला रहा हूँ, करंट अफेयर्स मत देखना भूलना, सुबह 4 बजे मॉर्निंग में 4 बजे करंट अफेयर्स आपके लिए अपलोड हो जाएगा, बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों भाषाओं में रहेगा, अतिरिक्त एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी उसमें होगी। तो सभी लोग रेडी रहना, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना 5 दोस्तों को। आप ये सोचिए कि आपको सिर्फ अपने 5 दोस्तों को शेयर करना है, अगर आप ऐसा करते हैं तो हम लोग बहुत ही जल्दी एक बड़ा कारवा बना लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू रामू, अमन, रुधिर, नीतू, अमन, अभी, जगजीत, मदन, रुचि का बेटा, अर्चना, जसविंदर, मदन, सबाना, बिट्टो, अशोक, निकिता, सुनील, रामो, वेरी गुड, राजीव, प्रतीक, राज, निक्रांत, जगत, रामकेश, अमन कुमार, राज, पंकज, प्रतीक, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, रूपा, राजीव, थैंक यू एवरीवन।